कोर्ट ने यहां पर एक महिला को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। यह फैसला चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पद्मा जाटव ने सुनाया। उन्होंने अपने फैसले में सास की हत्या के आरोप में बहू कंचन कोल को दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई। दो साल पहले 12 जुलाई 2022 को घरेलू विवाद के चलते एक बहू ने अपनी सास की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। हत्या का तरीका इतना क्रूर था कि आरोपी बहू ने सास के ऊपर धारदार हथियार से 90 से अधिक वार किए और उसे मौत के घाट उतार दिया था। न्यायाधीश रीवा श्रीमती पद्मा जाटव के यहाँ से एक अहम फैसला सुनाया गया और आरोपिया को मृत्यु दंड से दंडित किया गया। इसमें प्रकाश डालेंगे किस तरह का मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि अभी कई रेयर केस में ऐसे मामले आते हैं। अब मृत्यु दंड उसके अपराध को देखते हुए मृत्यु दंड की सजा उसे न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है। अब उसमें कई कंडीशन है जिनको दृष्टिगत रखते हुए ऊपर की कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट है और ऊपर जो है उसमें विचार करेगी। सीहोर में पुलिस ने जुआखोरी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 लाख नगद सहित कुल 7 लाख का जुआ पकड़ा है। कार्रवाई मुंडला कला में कोतवाली और मंडी थाना पुलिस ने की है, जहां 12 जुआरियों से 27 लाख नगद बरामद किए गए। आरोपी फार्म हाउस के कमरों में जुआ खेलते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। आरोपियों के 3 चारपहिया वाहन भी जब्त किए गए। पुलिस ने 16 मोबाइल फोन जब्त किए। जुआ एक्ट में मामला दर्ज कर लिया। सीहोर के आष्टा में देश के सबसे बड़े एथेन क्रैकर परियोजना का विरोध अब शुरू हो चुका है। ग्रामीणों ने इस परियोजना का विरोध शुरू किया। अब कांग्रेस ने भी खुलकर विरोध किया है। कांग्रेस परियोजना से फैलने वाले प्रदूषण को मुद्दा बना रही है, तो वहीं ग्रामीण भी 880 हेक्टेयर में लगने वाली फैक्ट्री के विषैले साइड इफेक्ट से ग्रामीण चिंतित हैं। खासकर एक दर्जन गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया गया तो ग्रामीणों को पलायन करना होगा। भिंड में पुलिस ने 30 लाख रुपए का गांजा बरामद किया। पुलिस ने कुल 82 किलो गांजा बरामद किया है और 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। एसपी असित यादव के निर्देश पर गोहत चौराहा थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सेंगर और उनकी टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया है। पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश के हैं। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कि दो लोग उस गाड़ी से निकलकर अचानक ही भागने लगे, जिसमें पुलिस को शंका हुई। शंका के आधार पर पुलिस द्वारा जब चेकिंग की गई तो उसमें पुलिस को मादक पदार्थ जो कि गांजा कुल 82 किलो 174 ग्राम, कुल कीमत 30 लाख और अन्य जो है इस तरह से उनके गाड़ी में पाया गया। पुलिस द्वारा विधिवत जब्ती पंचनामा और सारी कार्रवाई करके उसको गिरफ्तारी करके अपराध पंजीबद्ध कर आज आरोपी को न्यायालय पेश किया गया। और इधर मेहर जिला पुलिस ने भी 50 किलो गांजा पकड़ा है, साथ ही 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया। जिले के बदेरा थाना के तहत गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई, जो वीआईपी लग्जरी वाहन से मेहर लाई जा रही थी। पुलिस ने एक कार को जब्त किया जिसमें करीब 50 किलो से ज्यादा रखा हुआ था गांजा। खबर मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग वाहनों में देखे गए हैं, उस पर पुलिस ने घेराबंदी की, जिसमें 2 वाहन थे। उसमें से एक वाहन भागने में सफल हुआ और दूसरे वाहन को गिरफ्त में लिया गया। तलाशी ली गई, लगभग 50 किलो 140 ग्राम गांजा उनसे बरामद हुआ। नर्मदापुरम में पुलिस ने 24 घंटे में चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरों ने ताला तोड़कर दुकान से 10,52,000 रुपए की चोरी की थी। ज्वेलर मनोज अंकुलवासी की दुकान से 140 ग्राम सोने के आभूषण और 48,000 नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया था। अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। फर्श पर प्रसव के मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एएनएम और स्टाफ नर्स को निलंबित कर दिया गया। बीएमओ और संस्था प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची महिला को समय पर नर्स नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिला। नर्स और डॉक्टर के इंतजार में महिला तड़पती रही फर्श पर, बच्चे को वहीं पर जन्म दे दिया। न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ यह खबर दिखाई थी, जिसके बाद सरगुजा कलेक्टर ने संज्ञान लिया। कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ ने कार्रवाई की है।
बलौदाबाजार के गिरौदपुरी धाम पर हुई तोड़फोड़ की न्यायिक जांच होगी, इस बात की घोषणा छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की है। गौरतलब है कि गिरौदपुरी के अमरगोबा स्थित जैतखाम को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद सतनामी समाज के लोगों ने 3 दिनों तक गिरौदपुरी में उग्र प्रदर्शन किया था और इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। धमतरी का जिक्र करेंगे, निगम के कबाड़खाने में भीषण आग लगी है। म्यूनिसिपल स्कूल के कबाड़खाने में आग लगना बताई जा रही है। असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का शक भी है। दमकल विभाग की टीम पहुंच चुकी है, आग पर काबू पा लिया। ये तस्वीरें आपके सामने, निगम के कबाड़खाने में भीषण आग की तस्वीरें। असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगाने की आशंका जताई जा रही है। धमतरी की तस्वीरें जहां पर निगम के कबाड़ खाने में ये भीषण आग लगी और देखते देखते सब कुछ जल करके खाक हो गया। अभी ये कहा जा रहा है कि ये आग जो है सामाजिक तत्वों के द्वारा लगाई गई होगी, हालांकि ये जांच का विषय है। जांच पड़ताल इस पूरे ही मामले में अभी जारी। जांजगीर चांपा का जिक्र करेंगे, नशीली दवा के साथ ही 2 गिरफ्तार हुए हैं, अवैध रूप से बेच रहे नशीली ओडिन सिरप। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जांजगीर चांपा थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। तो नशीली दवा के साथ ही गिरफ्तारी यह हुई है। जांजगीर चांपा का हम जिक्र कर रहे हैं, ये आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जो नशीली दवाएं इधर से उधर बेचा करते थे और अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। न्यायिक रिमांड पर इन्हें भेजा गया है, पूछताछ इनसे कड़ाई के साथ होगी। आखिर कहां ये सप्लाई किया करते थे, कहां से लाते थे, कौन कौन इस गैंग में शामिल है, ये जांच का विषय है। 2 की गिरफ्तारी फिलहाल हुई है, न्यायिक रिमांड पर भेजा है, जांच पड़ताल पूछताछ आगे होगी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना है।